नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय यादव और आज हम डिस्कस करेंगे पोली वर्सेस बायफेशियल पैनल। दोनों पैनलों का लाइव डेमो दिखाएंगे आपको, कितने वोल्ट बनाते हैं दोनों पैनल, कितना जनरेशन है, कितने एम्पियर देते हैं। क्योंकि पिछली मैंने एक वीडियो बनाई थी बायफेशियल वर्सेस पोली, तो लोगों के कमेंट थे कि आपने बायफेशियल को तो चूंकि दोनों तरफ से काम करता है आपने उसके तो उल्टे करके दिखा दिए, लेकिन पोली पैनल तो एक तरफ से काम करता है तो आपने उल्टी तरफ से दिखाया, तो उसने अपने वोल्ट पूरे नहीं दिखाए। तो इस वीडियो में हमने दोनों पैनल बिल्कुल बाहर रखे हैं और दोनों पैनल का दोनों तरफ से मतलब उल्टी तरफ से भी और सीधी तरफ से भी इस वीडियो में हमने दिखाया है कि आपका कितने बोल्ट बनाते हैं, कितना आपका बोल्ट बन रहा है, कितना एम्पियर बन रहा है, टोटल दोनों का जनरेशन में कितना अंतर है और दोनों साइड से दिखाया है। दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देखें, क्योंकि आपने कई लोगों ने मेरे पिछली वीडियो में कमेंट किया है तो मैंने सोचा इस वीडियो को एक बार दोबारा से फिर बनाता हूँ बाहर रख के, जिससे आप लोगों के जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें शेयर करें। तो फ्रेंड्स ये दोनों पैनल हमने बाहर एक बिल्डिंग की छांव में रख दिए हैं, दोनों पैनल साइज ऑफ में सेम हैं, एक बाइक पे हमने टेम्परेली इनको कर दिया है। तो पहले हम एम्पियर चेक करेंगे दोनों पैनल्स के कि दोनों पैनल्स के अंदर कितने एम्पियर आएंगे। तो ये पोली पैनल में आप देख पा रहे हैं, पोली पैनल में अभी ये कम वो एम्पियर दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि प्रॉपर नहीं लगा है मीटर। हाँ अभी ये प्रॉपर लगा है, तो 23, 24, 19, 18 तो ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा खिसका है, इस वजह से 19 एम्पियर का ये दिखा रहा है एम्पियर, 19 एम्पियर इस पैनल के अंदर पोली के अंदर इस टाइम है। चूँकि प्रॉपर माउंटिंग नहीं है और सनलाइट का तो कोई मतलब ही नहीं है, बिल्डिंग जो है बिल्डिंग की छांव है और छांव में ही हमारा ये जो प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं ये छांव में कर रहे हैं कि बिल्डिंग की छांव में लो लाइट कंडीशन में दोनों पैनल्स में क्या अंतर है। अभी ये बायफेशियल पैनल में हम देखेंगे 47 वोल्ट, दैट मीन कि अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स ज़्यादा, पोली पैनल से 3 गुना ज़्यादा एम्पियर इसके अंदर हैं, 47 के अप्रॉक्स मतलब मैं आधा एम्पियर के आसपास मान लेता हूँ। अभी आपको ये दिखाते हैं कि जो पोली पैनल्स है दोनों तरफ से काम करता है, तो क्या इसका रियर साइड भी जनरेशन कर रहा है अगर हमने फ्रंट साइड को इसको बंद कर दिया। तो ये देखिए रियर साइड भी, फ्रंट साइड इसका बिल्कुल कम्प्लीटली बंद कर दिया है हमने और रियर साइड भी 0.26 एम्पियर है, इसका मतलब है कि ये रियर साइड भी पोली पैनल से तो ज़्यादा ये रियर साइड भी इसका काम कर रहा है। तो ये तो होगी फ्रेंड्स एम्पियर की बात। किसी भी पैनल की जो कैपेसिटी होती है, जैसे मैंने पहले ही बताया है, P=VI, मतलब किसी पैनल का जो पावर होता है वो उसका वोल्ट और एम्पियर दोनों आपको चेक करना है और दोनों का मल्टीप्लाई करके आपको पैनल का वाट मिल जाएगा कि कितने वाट का आपका पैनल है। तो अभी लगे हाथों हमने अभी ये एम्पियर चेक किए, लगे हाथों हम वोल्ट और चेक कर लेते हैं, क्योंकि वोल्ट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी पैनल के लिए और एक MPPT सिस्टम के लिए वोल्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है, एम्पियर से भी ज़्यादा वोल्ट मायने रखता है। अभी आप इसमें देखेंगे कि जो हमारा ये पैनल भी हल गया है, तो 19.35 वोल्ट का जनरेशन हो रहा है रियर साइड, अगर हमने फ्रंट साइड को इसकी को अगर बंद कर दिया है, अगर मैं पोली पैनल की ये फ्रंट साइड इसी तरह बंद कर दूंगा तो और जब जो वोल्टेज का जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, पर चूंकि पोली पैनल फ्रंट साइड से ही काम करते हैं तो इसलिए हम पोली पैनल की रियर साइड को नहीं बंद करेंगे। अभी हम देखेंगे कि पोली पैनल के अंदर कितने वोल्ट इस टाइम पर जनरेशन होगा। तो पोली पैनल के अंदर देखिए 17.50 मतलब का जनरेशन हो रहा है, दैट मीन कि बायफेशियल पैनल का जो रियर पोर्शन है वो भी लो लाइट कंडीशन में ज़्यादा इफेक्टिव हो गया है पोली पैनल के फ्रंट साइड से भी। तो हमने ये चूंकि रियर साइड तो इसका चेक कर ही लिया है बायफेशियल पैनल का, अभी हम लोग इसका फ्रंट साइड चेक करेंगे कि फ्रंट साइड में अगर हम इस पैनल को रख देते हैं तो हमारा कितने वोल्ट का जनरेशन आएगा। अभी देखिए 1 आ गया, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा एमीटर है चूँकि मैंने 20 पे लगाया हुआ है, इसका मतलब 20 वोल्ट से ज़्यादा नहीं दिखाएगा, 1 दिखाएगा। तो मैं इसको 200 पे कर देता हूँ ताकि अगर 20 से ज़्यादा वोल्ट बनने हो तो ये दिखाए 1 पे, दैट मीन ये है कि ये ज़्यादा, हाँ 19 लगभग आप ये समझिए 19.9 मतलब लगभग 20 वोल्ट के आसपास का जनरेशन हो रहा है। तो अब इस पैनल की कैलकुलेशन आप ऐसे निकाल सकते हैं कि लगभग 5.5 एम्पियर का इसमें एम्पियर आ रहे थे और लगभग 20 वोल्ट आ रहे हैं, दैट मीन 10 वोल्ट का प्रोडक्शन पोली ये बायफेशियल पैनल जो है वो हमारा कर रहा है लो लाइट कंडीशन में। अभी हम एक बार और दोबारा से चेक कर लेते हैं पोली पैनल की क्या स्थिति है। पोली पैनल जो है हमारा सेम 17.21 और अब पोली पैनल का भी अगर हम जनरेशन निकालेंगे तो 17.2 में हम लोग 0.17 की 0.18 की मल्टीप्लाई कर देंगे, लगभग 1 वाट के अप्रोक्स का आएगा।
तो फ्रेंड्स ये ही इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ था कि आप देखें उस चीज़ को कि जो बायफेशियल पैनल और पोली पैनल में लो लाइट कंडीशन में क्या फ़र्क होता है। अब आप खुद से इसको दोनों पैनल्स को जज कर सकते हैं कि दोनों पैनलों में से लो लाइट कंडीशन में क्या। तो दोस्तों आपने देखा वीडियो में कि पोली में और बायोफिशियल में क्या डिफरेंस है, दोनों का कितना जनरेशन है, दोनों का क्या क्या है। आपने देखा कि बायोफिशियल का जनरेशन पोली की अपेक्षा लगभग 2.5 से 3 गुना है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में मेरा बताने का उद्देश्य यही था। आपने कई पिछली वीडियो मेरी में कमेंट किया है कि आप लाइव वीडियो बनाए दोनों का, आपने दोनों तरफ से दिखाए पैनल को, तो मैंने इस वीडियो में कोशिश की आपको पूरी आपके क्वेश्चन जो थे उनका आंसर आपको मिल गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपना कोई सुझाव हो उसे कमेंट करें, और मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नमस्कार।